हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि कल हमारी वीडियो में आपने देखा, हमने अपने दोस्ती से मिलाने का प्रॉमिस किया था, कल वो थे नहीं। तो आज हमारे दोस्ती से मिलिए, जो है कश्मीर से और यहाँ धर्मशाला में आके अपना छोटे से दुकान से ये कमाते हैं। तो आप हम इनसे जानते हैं कि इनको यहाँ पे काम करके कितना साल हुआ और कैसा इनका एक्सपीरियंस है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ये काम 2013 में शुरू किया था यहाँ पे आके, छोटी सी ये दुकान में। 2013 से मैं काम कर रहा हूँ कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स का। कश्मीरी साफ़रान है यहाँ पे, और हमारे लद्दाख का शिलाजीत है जो दुनिया में मशहूर है, जो माना जाता है, और केसर कश्मीर का साफ़रान जो दुनिया में फेमस है। उस काम से मैंने स्टार्ट किया, शुक्र है मेरा यहाँ से अच्छा कमाई हो रहा है इस काम से। तो मैं इस काम से अपना घर चलाता हूँ और अपने भाई बहन को पढ़ाई कराता हूँ इसी काम से। बहुत बढ़िया। और फिर शाम, जब शाम हो जाता है तो आप अपना ये सारा सामान कहाँ रखते हो? जब शाम हो जाती है तो मैं अपना ये सामान बैग में डाल के इसके नीचे छोटे छोटे ढाबे बनाए हुए हैं, उसमें मैं अंदर डालता हूँ, बाहर से ताला लगाता हूँ। अच्छा जी, तो जैसे कि आपने बताया, आप इन सारों को डब्बे में डाल के, मतलब बैग में रख के किसी जगह पे रखते हो, तो रोज इसको निकालना और रोज डालना आपको शप्पा नहीं लगता है, मतलब मुश्किल नहीं लगता है? नहीं नहीं, ये तो रोजी रोटी कमाने का काम, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना चाहिए। मेहनत से फिर बंदा को कुछ हासिल होता है। अगर हम इतना सा मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन हम थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, सुबह आते हैं टाइम पे निकालते हैं, शाम को 8 बजे 9 बजे क्लोज करके अपने रूम में चले जाते हैं। हाँ जी, तो आप हमारे YouTube के सब्सक्राइबर को, जो हमारे सब्सक्राइबर है, उनको ये बताना चाहोगे कि आप कहाँ से हो, आपका शुभ नाम क्या है, वगैरह वगैरह? और आप मतलब काम के लिए धर्मशाला ही क्यों आए? आप किसी दूसरे जगह भी जा सकते थे, तो आप यहाँ मतलब धर्मशाला में ही क्यों आए, कुछ आप बताओगे? तो बताना चाहूँगा, मैं बहुत दूर एक छोटे से इलाके से बिलोंग करता हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोर है, गुरेज वैली, हमारा इलाका गुरेज वैली के नाम से अभी थोड़ा फेमस हुआ है, और वहाँ से मैं इतनी दूर आता हूँ। काफ़ी मेरा डैडी पहले आते थे, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। तो मैं अपने गाइस को बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पे जो दलाई लामा टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा रौनकी है, तो उस वजह से यहाँ लोगों का आमद रफ ज़्यादा होता है, टूरिस्ट का। तो कहीं से भी, फॉरेन से, इंडिया से, हर स्टेट से यहाँ टूरिस्ट आते हैं, और उनसे हमारा जो माल है वो बिक जाता है, इसलिए हमारे को यहाँ पे अच्छा लगा। हाँ जी, तो मतलब जो आपका ये जो आपका दुकान है छोटा सा, तो ये मतलब समर में ज़्यादा बिकता है कि विंटर में, ऐसा कुछ होता है कभी, जैसे कि सीज़न में ज़्यादा बिकता हो या फिर सीज़न नहीं होगा तो नहीं बिकता हो, ऐसा कुछ? फिर ऐसा कोई दिन है जब आपका कुछ ना बिका हो, मतलब बोनी ही ना हुआ हो, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे यहाँ से जब से मैंने दुकान लगाई है ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि जब से मैंने दुकान लगाई है तब से मेरा अच्छा काम चल रहा है, और सबसे ज़्यादा तो ठंडियों में चलता है। केसर और शिलाजीत का काम विंटर के टाइम ही, मतलब नवंबर से स्टार्ट होता है, फरवरी लास्ट तक इसका थोड़ा सीज़न अच्छा चलता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है सीज़न ड्राई फ्रूट्स का। ठीक है जी, तो मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि आप मतलब आज का जो जेनरेशन है, मतलब तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, कुछ आप उनके लिए देना चाहोगे? तो देखो, ये अपना अपना मकसद होता है। जैसे मेरा मकसद है, मैंने पढ़ाई किया, मैंने कहीं जगह जॉब के लिए मैंने भी कोशिश की लेकिन जॉब नहीं हो पा रहा है। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मैं ये छोटा सा दुकान कर रहा हूँ, इससे भी मेरा अपना गुजारा चल रहा है। तो इतना मैंने जॉब की तरफ तवज्जो नहीं दिया। तो मैं कहूँगा जिसको जितना, मतलब जो मकसद है उस मकसद में मेहनत करे और आगे जाए, तो वो सब कुछ बेहतर हो जाता है। ठीक है जी, तो आज हमारे मतलब YouTube में इस वीडियो में आपका आने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो हमारे इतने दूर, हम लद्दाख से आए और यहाँ धर्मशाला में हमारा एक दोस्त बने, वो भी कश्मीर से, हम तो पड़ोसी ही है, तो हम आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे वीडियो में बोलने के लिए। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम।
वेलकम जी। तो गाइस ये था हमारा दोस्त जो कश्मीर से यहाँ पे आके अपना ये छोटा सा दुकान लगा के अपना जो रोज का रोजी रोटी कमाते हैं। और अगर आप धर्मशाला आते हो तो इनके दुकान से ज़रूर कुछ लेना ताकि इनको आगे जाके हेल्प हो। तो आप सभी को बाय बाय, ये था हमारा दोस्त, बाय 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 बोल बाय बाय। आज हम फिर आए हैं इधर कुछ गिफ्ट आइटम लेने के लिए। ये देखिए गाड़ी में लगाने के लिए, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह है। ये देखिए, ये देखिए फोन के पीछे लगाने का, इनको ये पसंद आया है। जो हमने अभी वीडियो बनाया था अपने दोस्त का, तो अगर आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगे तो बहुत सारे शेयर करना प्लीज। तो ये देखो ये कितना अच्छा हेल्प चालू, और उसको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और ये देखो हम ये ले रहे हैं किसी के लिए गिफ्ट। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ है गिफ्ट आइटम्स वगैरह, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो। ये जस्ट बक्सू वाला रोड के नज़दीक है। ये लैपटॉप का पाउच हमें बहुत पसंद आया, मगर ये लिटिल बिट एक्सपेंसिव है इसीलिए हम नहीं ले रहे हैं। ये लेने को सोच रहे हैं हम यूकुलेले किसी के लिए गिफ्ट, मगर इस लिटिल बिट एक्सपेंसिव इट नॉट बाय इट फॉर राइट नाउ। हम इस दुकान में जा रहे हैं थोड़ा देखने के लिए, कुछ लेने को हो तो हम ज़रूर लेंगे।